सिर्फ सच। दुख, आक्रोश और आंदोलन की राह, यही है सहारा इंडिया में निवेशकों की दास्तां। इनकी आवाज को जबलपुर में विपक्षी दलों का सहारा मिला और सैकड़ों की संख्या में निवेशक सांसद राकेश सिंह के घर का घेराव करने पहुंच गए। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी, पैसों की तंगी उन्होंने हमसे भी साझा की। किसी की बेटी की शादी सहारा इंडिया में फंसे पैसों के चलते नहीं हो पा रही थी, तो कोई बुजुर्ग पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। कितना कब से निवेश किया था, कितना निवेश था, क्या दिक्कतें? बहुत दिक्कतें हैं भैया, अब क्या कर सकते हैं। और आश्रम में आसमान टांग के रखे हैं हमको, कितना परेशान हो रहे हैं हम। कितना पैसा बताए तो 1.5 लाख रुपया है मेरा। क्या दिक्कतें जा रही है? दिक्कत है, तबियत ठीक नहीं तो दवाई के लिए लगता है ना, मैं भी तो अकेली औरत रहती हूँ। 1.25 लाख काय को जमा किया, सोच के जमा किया था कि दवाइयों के इलाज, दवाई के इलाज के लिए 1100 हर महीने मिलता था पहले, अब 1.5 साल हो गए नहीं मिल रहा है, जब से 1.5 साल हो गए। प्रदर्शनकारियों का हुजूम आखिरकार सांसद राकेश सिंह के निवास के घेराव के लिए निकल पड़ा। निवेशकों की भीड़ के नेतृत्व की कमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना के नेता कर रहे थे। जैसे ही भीड़ सिविल लाइन थाने के पास पहुंची तो उम्मीद के अनुसार पुलिस पहले से ही वहां बैरिकेड्स लगाए उनका इंतजार कर रही थी। प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे और बैरिकेड्स पार करने की कोशिश में जुट गए। उनकी पुलिस से काफी देर तक धक्का मुक्की होने लगी। आखिरकार उन्हें पता चला कि सांसद राकेश सिंह जबलपुर में है ही नहीं। हालांकि सांसद ने 5 दिनों बाद उनसे मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनने का वादा प्रशासन के माध्यम से किया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि जबलपुर के 3 लाख निवेशकों के 700 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं और ये मुद्दा किसी भी तरह सांसद को संसद में उठाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो आंदोलन है ये दलगत राजनीति से उठ के है। जबलपुर के आम निवेशकों का आंदोलन है जिसमें जबलपुर के लगभग 3 लाख निवेशकों का 700 करोड़ रुपए बकाया है। हम लोगों ने जबलपुर के तमाम राजनीतिक दलों से समर्थन चाहा, हम लोगों ने तमाम सामाजिक संगठनों से समर्थन चाहा और सब ने बड़े खुले मन से इसका समर्थन दिया। आज हम लोग राकेश सिंह जी से सिर्फ ये बात करने जा रहे थे कि आप जबलपुर के लोकसभा के सांसद हैं और हिंदुस्तान की लोकसभा में आप अगर इस मुद्दे को उठाते हैं तो जबलपुर के निवेशकों का काफ़ी हद तक पैसा लौटेगा। हमने देखा भी है, जहाँ जहाँ के सांसदों ने इस बात को उठाई उस क्षेत्र के लोगों का पैसा वापस लौटा है। मगर जो उनका चिरपरिचित पुराना अंदाज है, यहाँ पर बैरिकेटिंग लगा दी है, निवेशकों को जाने नहीं दिया गया। हम लोगों ने प्रयास करे कि उनके ऑफिस तक जाया जाए और अगर हम लोगों को रोका जाता तो भी हम लोग किसी भी तरीके से वहाँ जाते, मगर SDM महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया। कलेक्टर महोदय से बात करी, कलेक्टर महोदय की माननीय सांसद जी से बात हुई है कि वह अभी जबलपुर में नहीं है, 5 दिन के अंदर हम लोगों की बैठक उनके साथ कराई जाएगी। और अगर ये सिर्फ झूठा वादा होता है, हम लोग के साथ वादा खिलाफी की जाती है, तो 5 दिन के बाद सांसद महोदय के साथ साथ हम लोग जिले के कलेक्टर का भी घेराव करेंगे। प्रदर्शनकारियों समेत विपक्षी दलों ने चेतावनी दी है कि यदि सांसद ने उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की तो वे अपने आंदोलन को और वृहद स्तर पर ले जाएंगे।